माशाल्लाह से हसन भाई, देखा आपने मेरे नोमी को? पढ़ाई में अव्वल है, खेल में अव्वल है, यहाँ तक कि डिबेटिंग सोसाइटी में भी है मेरा बेटा। अच्छा बस करो, तुम तो हर रोज शुरू हो जाते हो। आसिम यार, मैं जैद की तरफ से बहुत परेशान हूं। हसन भाई, जैद किसी की बात ही कहाँ सुनता है। आसिम ने तो कोशिश करी एक दो बार, लेकिन तू लच पड़ा, बदतमीजी पे उतर आया। सच्ची बात है, मैंने ही आसिम को मना कर दिया। इंसान की इज्जत अपने हाथ ही होती है ना। आसिम के हवाले करके गया था, इस पे जिम्मेदारी छोड़ी थी सबकी। भाई यकीन करें, मैंने अपनी पूरी कोशिश की जिम्मेदारी निभाने की, लेकिन अब ऐमन और जैद बड़े हो चुके हैं। सच बात तो यह है हसन भाई के जुबैदा भाभी को कभी भी अच्छा नहीं लगा आसिम का ऐमन और जैद के मामले में बोला। वो बेचारे आसिम क्या करते हैं, सच्ची माने जैद को बिगाड़ने में ना सारा हाथ जुबैदा भाभी का है। अब आप नोमी को देख ले, माशाल्लाह से एकलौता बेटा है लेकिन कितना सुलझा हुआ है। हमने दिया हमेशा सोने का निवाला है, लेकिन देखी हमेशा शेर की निगाह। बेटा तुम तो उसके हम उम्र हो, तुम कुछ ख्याल कर लेते। दोस्ती होती है ना एक उम्र के लड़कों के आपस में, कैसे सिगरेट और नशों में पड़ गया? तायबू, मेरी उससे कोई खास दोस्ती नहीं है, और वैसे भी हमारी क्लास और फील्ड भी डिफरेंट है। ऐसे भाई, इस बेचारे ने तो जब भी दोस्ती करने की कोशिश करी है, ऐमन और जैद ने इसे मार के भगा दिया। मेरे बेटे को नीचे तक नहीं आने देते थे। काम कैसा चल रहा है आसिम? भाई मत ही पूछे, इस वक्त तो प्रॉपर्टी के हालात बहुत ही बुरे हैं। आप ऊपर ही नहीं आए जब से रेनोवेशन हुई है, चक्कर लगाए ना? आऊंगा भी, कमजोरी बहुत हो रही है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, सांस चढ़ जाता है। आऊंगा। तायबू, मैंने मैंने ये भी बनाया था, ये देखें। Assalamualaikum, मैं हूँ उर्वा हुसैन। Subscribe to the ARY Digital YouTube channel for more entertaining content.